देखिए मैम, अगर हमको परमिशन दे, हम हमको कुछ करते तो हम इधर बड़ी बैठते हैं। आज हमारे लिए आनंद गुरु की जो आज हमारी तो हम कोई मैडम को परमानेंट टैलेंट दो, हम कोई कर तो नहीं, हमें अपनी शाम पर ही बैठे हैं, पीसफुली बैठे हैं, हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को तो तंग नहीं कर रहे, हमें कुछ नहीं कर रहे। हमने सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने पूरी डिटेल्स लिखी थी और इनको हमने उस दिन कहा था कि हम दो दिन देते हैं गवर्नमेंट को, अगर दो दिन में गवर्नमेंट हमारे साथ नेगोशिएशन में बैठ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम मंगलवार को सड़कों पे होंगे और हम सोशल डिस्टेंस रख के यहाँ पे हमने शुरू किया है और हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए, इसलिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट के प्रधान, वाइस प्रधान, सेक्रेटरीज वगैरह आए हैं। और हम ये कहना चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट को कि अगर अब भी हमारी बात ना सुनी गई तो आज का दिन और कल का दिन के बाद हम वीरवार को सभी किस्म के टैंकर्स हैं, जो पेट्रोल टैंकर, डीजल टैंकर, एलपीजी के टैंकर, वाटर टैंकर और ट्रकर्स जो हैं, ये सभी जो हैं वो बंद होंगे और इसकी अगर असेंशियल कमोडिटीज़ की कमी होगी तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। और उस दो दिन के बाद अगर गवर्नमेंट ने ना किया, हमारी बात ना सुनी तो हम ट्रकर्स, टैंकर्स, बसेस सभी सड़कों पे लाएंगे और अगर सड़कों पे खड़ियाँ कर देंगे, हम सीज कर देंगे सड़कें, और अगर लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। हमारी डिमांड यह है कि छः महीने के लिए हमारे टैक्स माफ़ किए जाएं, हमारे फी माफ़ की जाए और हमारा 50% जो किराया वो बढ़ाया जाए। अगर हमारी बातें ना सुनी गई तो जो भी हम हमारी एजिटेशन चलेगी, ये हंगर स्ट्राइक भी रेगुलर चलेगी, चैन हंगर स्ट्राइक चलेगी, और अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो हमें जो मैंने कहा है कि दो दिन के बाद टैंकर्स और ट्रकर्स भी बंद हो जाएंगे, उस दो दिन के बाद हम सड़कों पे अपनी गाड़ियां लाएंगे, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। इंसाफ के आगे